हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्रेंस। इसमें हम इसकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड एडवांटेजेस के बारे में समझेंगे कि कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, इसकी एक डिफिनीशन क्या है और इस कॉन्फ्रेंस के करने के एडवांटेज क्या होते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि हाउ टू मेक कॉन्फ्रेंस इफेक्टिव, हम अपनी इस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से और इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, ताकि जो लोग वहां पर आए हुए हैं, जो लोग उसे वो सुन रहे हैं, वो और ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। तो इसके भी अलग अलग पॉइंट्स होंगे जो हम आगे क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, कॉन्फ्रेंस के बारे में अच्छे से और डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एक बार पूरी जरूर देखें। दोस्तों, कॉन्फ्रेंस एक तरह की एक मीटिंग होती है, एक गैदरिंग होती है, जहां लोग एक साथ बैठकर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई डिस्कशन करते हैं या बातें करते हैं या अपने व्यूज को शेयर करते हैं। तो इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या आगे कोई बड़े डिसीजन लेने हैं, तो उससे रिलेटेड वो आपस में बातें करते हैं, अपने ओपिनियन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग आइडियाज देते हैं या उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन भी शामिल हो सकती है। तो इसी को हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जब सारे लोग इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर किसी टॉपिक पर कोई सोल्यूशन निकालते हैं, डिस्कस करते हैं। अब आइए कॉन्फ्रेंस की एक डिफिनीशन से इसको और क्लियर करते हैं। अ कॉन्फ्रेंस इज एन एक्ट ऑफ कंसल्टिंग एंड डिस्कसिंग टू शेयर नॉलेज, एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स among a group of people who have common objectives। अब इसका मतलब यह है कि कॉन्फ्रेंस किसी ग्रुप के लोगों के बीच नॉलेज, ज्ञान, एक्सपीरियंस, अनुभव, थॉट्स, विचारों, फीलिंग्स, भावनाओं को शेयर करने के लिए, उस पर कंसल्ट करने, उसके बारे में बात करने और उस पर डिस्कशन करने के एक कार्य है, जिनका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, समान है। दोस्तों, जो लोग कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वरना इतने लोगों को बुलाने का या इनको इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं होगा। इस तरह कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करना होता है। अब यहाँ वे एक दूसरे से अपनी अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। तो अब इस कॉन्फ्रेंस को हम किस तरीके से और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। हाउ टू मेक कॉन्फ्रेंस इफेक्टिव। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, एस्टैब्लिश द कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्टिव्स। अब कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है, क्यों लोगों को एक साथ बुलाया गया है, उसके उद्देश्य को बताना। तो इसमें जैसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लोगों को बता सकते हैं, अब वे लोग जो वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ताकि वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए काम कर सकें। और अगर कुछ लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई विवाद है, तो उसे वहीं पर सॉर्ट आउट करना, जिससे कि उनकी नाराज़गी है वह ख़त्म हो जाए और फिर वह सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करें। तो यह सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर फिजिकल अरेंजमेंट। अब कॉन्फ्रेंस में एक प्रॉपर फिजिकल अरेंजमेंट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उनका हिस्सा हैं, उनको एक कंफर्टेबल सीट अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके, उनकी चेयर्स को इस तरीके से रखें कि वे स्पीकर को देख सकें। इस तरह इसमें सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम लोग हैं तो ठीक है, पर अगर ज़्यादा लोग हैं तो स्पीकर को माइक का भी यूज़ करना चाहिए, ताकि सारे लोग उसकी बात को आसानी से सुन सकें। तो इन सारी चीज़ों को करने से एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और लोग आसानी से बिना किसी रुकावट के या डिस्टरबेंस के अपनी बात रख पाते हैं और सामने वाले की भी बात आसानी से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ होल्डिंग द कॉन्फ्रेंस। अब इसमें जो कॉन्फ्रेंस का मैनेजर है, जो उसे मैनेज कर रहा है, तो वह यह डिसाइड करेगी कॉन्फ्रेंस का टाइम क्या रहेगा, वह कब रखी जाएगी, क्या वह बिजनेस के वर्किंग आवर में होगी या उसके बाद,
या फिर सुबह के टाइम या शाम का टाइम उसके लिए सही होगा। तो यह सब टाइम सभी मेंबर्स को ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए कि उन्हें उसे अटेंड करने में कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई असुविधा ना हो। अगला पॉइंट है साइज ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अब अगर आप कॉन्फ्रेंस को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसमें यह भी आपको डिसाइड करना होगा कि कितने लोग उसे अटेंड करने वाले हैं, कितने लोग को इनवाइट करना है। अगर ऐसे लोगों को आप इनवाइट कर लेंगे जिसका उस कॉन्फ्रेंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इससे बस नॉन रिलेवेंट डिस्कशन इंक्रीज होगा। वो ऐसी बातें करेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो उससे रिलेट ही नहीं करेंगी। अब इन सब से उस मीटिंग में या उस कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्लम्स होंगी, बाधाएं शुरू होंगी। तो दोस्तों, जहां तक हो सके उतने ही लोगों को इनवाइट करें जितने ज़रूरी हो। अब बहुत ज़्यादा ही लोग हो जाएंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्शन करना भी डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट है नोटिस टू पार्टिसिपेंट्स। अब इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो उसमें हिस्सा लेने वाले हैं, उन सभी को पहले से ही वेन्यू के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होने वाली है, उसकी डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, उसका पर्पस और कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट भी बता देना चाहिए। इस तरह जो भी टॉपिक आप उस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्कस करने वाले हैं, उन टॉपिक के बारे में उन्हें पहले से ही पता होने चाहिए, ताकि वो उस पर विचार करके अपने व्यूज़ को पहले से ही तैयार रख सके और एक्टिव होकर उस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करें। इस कॉन्फ्रेंस को और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज टू एवरी स्पीकर। अब कॉन्फ्रेंस के दौरान जितने भी स्पीकर हैं जो उसमें बोलने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं, उन सभी स्पीकर को एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि वे अपने व्यूज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। और उस स्पीकर को भी टाइम की लेंथ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे कितनी देर बोलना है। तो इस तरह जब वह बोल रहा है तो कितनी देर उसे बोलना है, या फिर किसी का आंसर दे रहा है तो उसे कितनी देर के अंदर उसे ख़त्म करना है। यह सारे पॉइंट्स उसके माइंड में पहले से ही क्लियर होने चाहिए, ताकि लोगों का और टाइम वेस्ट ना हो और वह कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से रख सके, उन्हें बता सके। तो इस तरह इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब आइए आगे जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस जो की जाती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं या क्यों की जाती है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फ्रेंस का एक ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि कॉन्फ्रेंस के थ्रू अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अलग अलग पर्सन के जो थॉट्स होते हैं, जो व्यू पॉइंट होते हैं, वो काफ़ी यूजफुल भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट, प्रोमोट हेल्दी रिलेशंस। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड होता है। लोगों से क्वेश्चन करके, टॉपिक पर डिस्कशन करके लोग एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से उसका अच्छा सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कॉन्फ्रेंस काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब इसके एडवांटेज में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है पूलिंग ऑफ नॉलेज। कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी टॉपिक वहां पर डिस्कस करते हैं, तो जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो उसके बारे में अच्छे से बताते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह दोस्तों कॉन्फ्रेंस के यही कुछ एडवांटेज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और ऐसी और यूज़फुल वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, ताकि जो वीडियोस की, न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।